पन्ना जिले की जनपद पंचायत गुनौर हमेशा मनमाफियों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इसको लेकर गुनौर में जनपद सदस्यों द्वारा सामान्य सभा की बैठक बुलाई जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के नाम गुनौर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए जनपद सदस्यों ने कहा कि जनपद पंचायत गुनौर में निर्वाचित सदस्य हैं, संदर्भित धारा के अनुसार सामान्य सभा की बैठक प्रतिमाह बुलाए जाने का प्रावधान है, जिसे बुलाए जाने की शक्तियां जनपद अध्यक्ष को हैं। अगर एक माह के उपरांत 15 दिवस और हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठक बुलाने के लिए बाध्य हैं। अगर दोनों बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आधे या उससे अधिक सदस्य अध्यापेक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बैठक बुलाए जाने की बाध्यता व अध्यक्ष और सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। गौरतलब है कि बैठक 17 मई के बाद आज तक नहीं बुलाई गई। इस दौरान जनपद पंचायत गुनौर के सदस्यगण मौजूद रहे। सदस्यों के साथ में जाकर माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुनौर को हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें जो वर्तमान समय में 17 मई से अभी वर्तमान तक मीटिंग नहीं हुई है, उस समस्या को प्रमुख रूप से रखा गया है और उसको प्रमुखता से हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिलाई है ताकि मीटिंग हो सके। और क्या कैसी समस्याएं हैं? समस्याओं के लिए जो अगर देखा जाए तो हमारे अभी कुछ समय पहले जो डीपीडीपी योजना के अंतर्गत कुछ राशि आवंटित हुई थी, कुछ चिन्हित पंचायतों को हुई थी, जिसके माध्यम से हमने माननीय सीओ साहब गुनौर, सीओ जनपद पंचायत गुनौर, इसके बाद जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर साहब के बाद पुनः कमिश्नर साहब सागर और पंचायती राज संचालनालय भोपाल को हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। यहाँ जो अनियमितताएँ हो रही हैं उनको हमने व्यक्तिशः बिंदुवार उठाकर उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था ताकि जो जनपद पंचायत के अंतर्गत मिलने वाली राशि है वो समानुपातिक ढंग से सभी सदस्यों को बराबर ढंग से मिल पाए और पूरे क्षेत्र का ही विकास नहीं, पूरी जनपद पंचायत का विकास सर्वांगीण रूप से हो पाए, ये प्रमुखता से मुद्दे उठाए गए थे।